ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एंड इन आवर लास्ट सेशन वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। और कुछ छोटी मोटी हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द आईपी एड्रेसेस एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप दैट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। दिस इज ग्रुप वन, हियर यू गो। Okay, so in our last session, we were talking about the format of IP version 4. Or I told you that when we are talking about the format of IP version 4, generally it is represented in binary. It consists of four octets. Further, the range of each octet is from 0 till 255, and each octet is separated by a dot. Okay. Now moving forward, the last thing that you should remember, एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है कि if your IP version 4 is in binary, तो complete address will be in binary. If your IP address is in hexadecimal, then complete address will be in hexadecimal. And if your IP address is in binary, complete address क्या होगा? Binary के अंदर होगा। ये नहीं हो सकता कि one octet is binary and the other octet is hexadecimal. तो in between आपके पास ये चीज apply नहीं होती। Now one more thing that you should know, नहीं सारी बातें करनी, वो आगे बताऊंगा। या चले, you should know, यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए total number of bits IP V4 contain, they are 32 bits. So total number of bits for IP version 4, we have 32 bits, and total addresses that we have is 2 to the power 8, that is क्या क्या कर रहा हूं मैं, 2 to the power 32, that is around 4 billion addresses. तो आप लोग के पास तकरीबन यहां पे 4 billion addresses हैं हमारे पास in a IP version 4. Now बच्चों, moving ahead, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग के सामने कुछ IP addresses लिखूंगा, and you people need to tell me के सर ये IP address correct है, valid है या invalid, ठीक है? Starting with the first IP address, let's say 0.0.0.0. Let me check the answers online as well. Okay. Food Panda kya bol raha hai? So, on and Sharif and Umar bata rahe hain sir, these are correct, valid. Anyone? Hafsa? Your name? Hafsa, Hafsa, valid, invalid? Theek hai, valid. Four octets separated by a dot, and the range of each octet is from 0 till 255. So, sare rules follow kar rahe sir, this is valid. Abhi थोड़ी देर में आप लोग कंफ्यूज होंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में होंगे। नाउ द नेक्स्ट एड्रेस बच्चों, जब बात आप आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, 200.19.80.256 इनवैलिड। रीजन? ओके, फाइन। तो आप लोगों ने बताया कि सर दिस इज इनवैलिड बिकॉज दिस इज एक्सीडिंग द रेंज। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, 10.110.10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 10
1-1, ठीक है, वैलिड। आप लोग इतनी आराम से कंफ्यूज वाले होने वाले लग नहीं रहे मुझे। सो अब लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एफ ए डॉट 10 डॉट डी बी डॉट सी ए जी इनवैलिड। एक्सीलेंट, योर नेम? अच्छा रविश, रविश, अच्छा ठीक है, रविश ने बता दिया इनवैलिड। पीछे से भी आवाज आई थी, इनवैलिड। योर नेम? ओवेस। रीजन? एक्सीलेंट, जबरदस्त, वेरी गुड। और हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है भाई? जबरदस्त उमर, इनवैलिड, एक्सीलेंट उमर, और कौन है वहां? फसी, फसी, जबरदस्त बेटा, एक्सीलेंट, जबरदस्त, ठीक है। मैंने तो अभी कुछ पूछा ही, मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन किया है बच्चों। अच्छा अब चलो बच्चों, हाँ बिल्कुल, जवाब और आंसर विल बी करेक्ट, एग्जैक्टली। अब बच्चों देखो, आप लोगों को मैं लेके चलता हूं वापस से पीछे, चले एटलीस्ट। जवाब, यू आर द फर्स्ट वन जिसने आंसर किया। अभी तक मैं 6 ग्रुप में पढ़ा चुका हूँ एंड एवरी हर बच्चे ने इनवैलिड की आंसर दिया था। अब आप लोगों को मैं पहले चैप्टर के ऊपर लेके चलूं बच्चों, पहली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, सॉरी दूसरी क्लास में पढ़ाई थी, पहली क्लास में तो हम लोगों ने सिर्फ बातें करी थी। तो मैंने दूसरी क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी हेक्साडेसिमल की रेंज। तो द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल इज आर फ्रॉम 0 to 15। तो यहाँ पे ये 10 नहीं है, 0 and 1 आर सेपरेट कैरेक्टर्स, सेपरेट डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, अब देखो 0, 1, 8, 5, 6 ये सब हेक्साडेसिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज वैलिड। चले एटलीस्ट एक तो गलत बताया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सो दिस इज वैलिड बच्चों। नाउ अच्छा कोई आंसर नहीं करे, जिसको आंसर आते सिर्फ काइंडली वो करना, ठीक है। सो लेट्स से सी डी 192 सी बी एंड सी डी। राविश, रीजन? तो हेक्साडेसिमल हो सकता है, ठीक है, कर लें आप काउंट, तो फिर वैलिड हो जाएगा ये, एक्सीलेंट। और यस, चले मैं एटलीस्ट मैं कंफ्यूज करने के अंदर मैं जीता तो थोड़ा। जवाब, ओके, ऑन ऑन बता रहे, इनवैलिड, इनवैलिड, देन कंप्लीट एड्रेस शुड बी इनवैलिड। अब देखो अगर 192 हेक्साडेसिमल हो सकते हैं बिल्कुल, इसके ऊपर तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता। लेकिन देखो एक कैरेक्टर को, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कैरेक्टर देता हूँ हेक्साडेसिमल का, कितनी बिट्स चाहिए इसको, रिक्वायर्ड है हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 4 bits, ठीक है, दैट विल बी F111 4 bits। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहलाता है, एक ऑक्टेट कहलाता है। इसको ऑक्टेट कहते क्यों है, बिकॉज इट कंटेन 8 bits ओनली। तो अगर मैं एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, 1 को 4 bits, 9 को 4 bits और 2 को 4 bits, तो एक ऑक्टेट के अंदर यहाँ पे कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे मुझे? 12 bits रिक्वायर्ड हो जाएंगी टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। सो दैट्स व्हाई दिस इज आउट ऑफ रेंज। हेक्साडेसिमल तो हो सकता है बिल्कुल, 1 भी 9 भी 2 भी, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर्स कैन बी ओनली 2 और मिनिमम भी 2 ही होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि आपके पास ये क्या होगा, दिस विल बी इनवैलिड बिकॉज दिस 192 विल एक्सीड द रेंज, आपकी रेंज एक्सीड कर जाएगा ये। अब्दुल्ला खान ने सबसे, अब्दुल्ला खान ने कहानी खत्म करी, बोला सर हाउ वुड वी नो दैट दिस नंबर इज इन बाइनरी और इन हेक्साडेसिमल? तो आपका एग्जामिनर बताता है, स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग एवरी क्वेश्चन एग्जामिनर बताता है कि दिस आईपी एड्रेस इज इन बाइनरी और इन हेक्साडेसिमल। हाँ यस वी कैन, वी कैन, आपके अभी क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे करवाऊंगा मैं। सो मैंने यहाँ पे बता दिया इनवैलिड एंड द रीजन वॉज अगेन एक्सीडिंग
रेंज. नाउ आई थिंक अब इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंफ्यूज यू पीपल. आई वॉन्ट, सबसे पीछे मेरा बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा? अरसलान. यार ये जवाब दे देगा अरसलान, तेज बच्चा है. नहीं दे पाओगे? नहीं दे दोगे तुम? चलो अरसलान लेट्स ट्राई. वैसे मुझे पता है तुम दे दोगे इसका जवाब. अरसलान 192.168.10 डाइनरी के अंदर, मैंने ऑल हेल्प कर दी तुम्हें, दिस नंबर इज इन डाइनरी. तो वैलिड और इनवैलिड? रीजन एग्जैक्टली, वी हैव फोर ऑक्टेट्स, सो ओवर हियर वी आर हैविंग अ मिसिंग ऑक्टेट. We are having a missing octet, so that's why this is also invalid. Yes, on the whole class can see your answers. आप लोग Sharif on आप लोग के answers सब देख रहे हैं. ठीक है, your answers are also right. तो बच्चों this was the story of IP version 4. ठीक है, close, खत्म. तो I hope अब आप लोग easily judge कर सकते हैं कि which numbers are valid और कौन से numbers आपके पास क्या है invalid. आगे बढ़ते हैं आप. Now let's move forward and now let's talk about IPv6. ठीक है, पहले क्या करते हैं, कुछ differences लिख लेते हैं यहाँ पे between IPv4 and IPv6 and then we are going to kick off with the formatting of IP version 6 as well. बड़ी मजेदार सी formatting है IP version 6 की, तो आप लोग को मजा आएगा, एक नई चीज आप लोग को सीखने को मिलेगी यहाँ पे. So when we talk about IP version 4, IPv4 versus IPv6. IP version 4 consists of 32 bits and IPv6 consists of, anyone? Consists of 16. Excellent. क्या नाम है आपका? अरिशा, वरिशा, अरिशा, अरिशा. तो अरिशा ने बताया कि सर 48, और अरिशा ने ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और उसके अंदर अरिशा ने जरूर पढ़ा था कि दिस कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स. तो अरिशा को वहां से क्लिक किया होगा आई थिंक, तो उन्होंने 48 बोला. अच्छा नहीं नहीं, वर्जन अलग अलग होते हैं आपके पास. एक्चुअली आपके पास आईपी वर्जन 4 को 8 बिट्स अलॉट की गई थी, दैट वाज आपका 2 to the power 32 आपका एड्रेसेस थे. फिर आपके पास IPv5 आया, IPv5 को 64 बिट्स असाइन की गई. लेकिन फिर IPv4 को बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि उन्होंने बोला यार कि अगर हम IPv5 को विद हैविंग 64 बिट्स, तो अगर उसको हम लॉन्च करते मार्केट के अंदर, तो अगले 20 इयर्स के बाद फिर हमारे पास एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. जितनी जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास इंक्रीमेंट हो रही थी, तो उन्होंने उसको फिर होल्ड करा और फिर दे लॉन्च डायरेक्टली IPv6 कंसिस्टिंग ऑफ 128 बिट्स का आपके पास ये होता है. तो ऑलमोस्ट ये दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कवर अप कर सकता है. आप लोगों को पता है कि इतनी ज्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्रीज हुई हैं. लाइक अभी अगर आप करेंटली आप लोग अपने घर पे भी देख लें, या अगर अभी हम देखें तो एक आईपैड हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक फोन हो गया. तो मैंने अभी 3 पब्लिक आईपीस ऑक्यूपाई की हुई है इंटरनेट की दुनिया के अंदर. तो इसी तरह आप लोग की भी बहुत सारी स्मार्ट वॉच, ये वो, तो आप लोगों ने बहुत सारी आईपीज आप लोग ग्रैब करके रखते हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड मोर आईपी एड्रेसेस. सो कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेड आईपी वर्जन 4? रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी. And IP version 6 is represented in hexadecimal numbers.
नाउ और आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे। आईपी वर्जन 6 इज फास्ट एज कंपेयर टू आईपी वर्जन 4। अब ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम रीजन, कुछ रीजन होना चाहिए कि मैं अगर इसको फास्ट बोल रहा हूं तो व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है कि ये आपके पास फास्ट होता है। तो रीजन इज बच्चों आईपी वर्जन 6 इज क्लास लेस, आईपी वर्जन 6 इज क्लास लेस। अब अगेन यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि सर पहले आपने फास्ट लिखा फिर आपने लिख दिया क्लास लेस, तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्लासेस। तो आईपी वर्जन 4 को बच्चों हम लोग क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, आगे का टॉपिक है आगे पढ़ेंगे, बस अभी सिर्फ पता होना चाहिए कि वी हैव डिवाइडेड आईपी वर्जन 4 इनटू क्लासेस, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई, डिपेंडिंग ऑन आवर नेटवर्क हम अपनी क्लास डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, इंडिविजुअल है, जो भी आपका नीड होती है उस हिसाब से आप उस पर्सन को वो क्लास असाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, तो दैट्स व्हाई दे आर फास्ट। खैर ये आगे का टॉपिक है, बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है हम लोगों ने। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, नंबर ऑफ एड्रेसेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो दिस विल बी 2 to the power 32 एंड दिस विल बी 2 to the power 128 एड्रेसेस। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो दैट दिस इज मोर सिक्योर, IPv6 इज मोर सिक्योर। सर व्हाई, एनी पर्टिकुलर रीजन? बिकॉज इट हैज बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। आई होप ओ लेवल कंप्यूटर साइंस आप लोग को याद होगा एक टॉपिक था आपके पास सिक्योरिटी का, वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड एनक्रिप्शन। एनीवन रिकॉल मी द डेफिनेशन फॉर द एनक्रिप्शन? एनक्रिप्शन की डेफिनेशन बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी हमारे पास। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर सेंडिंग योर डेटा इन अ कोडेड फॉर्म, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर डेटा डायरेक्टली आप अगर कोडेड फॉर्म में डेटा अपना सेंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। ठीक है, सो IPv6 के अंदर आपका बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अवेलेबल है, तो आपका डेटा ऐसे ही नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है उसको एनक्रिप्ट करके भेजता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया अरसलान 2 बजे, अब आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, अब मैंने इनको बताया जैसे मैं बोलूँ 2 बजे तो तुम क्या करना, क्या करोगे, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने 2 बजे बोला था कि मेरे लिए एक चिकन पेटीज लेकर आ जाना, ठीक है, तो मैंने इनको कोड दिया था 2 बजे का, तो मैंने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया लेकिन दैट डेटा वॉज इन अ कोडेड फॉर्म। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया लेकिन रिसीवर को समझ में आ गया, यस। ठीक है, अरसलान 3 बजे क्या होगा फिर? ठीक है, ओके मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक दीज डिफरेंसेस आर इनफ, बाकी आगे अभी बहुत बातें करनी है तो करते रहेंगे इनके बारे में। अभी नेक्स्ट वीक आई थिंक 2 more classes विल बी ऑन आईपी एड्रेसेस। अभी हम पब्लिक आईपी देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी प्राइवेट आईपी, वी आर गोइंग टू सी सबनेटिंग, हाउ वी डिवाइड द नेटवर्क्स, तो आईपी के ऊपर अभी काफी काम करना है। नो बच्चों आप लोग को यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ आईपी वर्जन 4 आप लोगों को बड़ा क्लियर था एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी आप लोगों को चीज समझ में आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ IPv6, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू पीपल। मैंने आप लोग के सामने एक आईपी वर्जन 6 लिखा, ठीक है, लेट्स सी F01 0A B2 0019 F2 D F 0000
जीरो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स So now this is bacho one of ek example aap log ke paas IP version 6 ki on IPs are assigned both aap software ke through bhi kar sakte ho that is called DHCP aur aap manually bhi assign kar sakte ho that is called static IPs so that depends ki aap kya kar rahe ho kahan kar rahe ho aage baat karenge बहुत सारी तुमने अभी थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन रेस कर लिए तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। खैर डीएचसीपी के बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। खैर तो बच्चों मैंने यहां पे स्टार्ट करा द फर्स्ट रूल, दिस इज कॉल्ड वन हेक्सटेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट वन हेक्सटेट। ये आपका एक हेक्सटेट है, वी कॉल इट अ हेक्सटेट। Hexstate means containing 16 bits. This consists of 16 bits. ठीक है, तो मैंने यहां पे बच्चों लिखा द फॉर्मेट ऑफ IPv6. सो द फर्स्ट रूल बच्चों इज It consists of 8 hexstates and one hexstate is of 16 bits and ek aur baat separated by a colon. So aapke paas isko aap log separate kaise karte hain, you separate each hexstate by a colon. Now moving ahead बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा और, एंड नाउ लेट्स सी द फर्स्ट रूल। पहला रूल देखते हैं, द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड द सप्रेशन ऑफ जीरोस। ये जो आप लोग देख रहे हैं लीडिंग जीरोस, लाइक ये एक जीरो है आगे, ये आगे जीरो है, ये सारे जीरोस हैं, ये तीन जीरोस हैं, तो लीडिंग जीरोस आप लोग सप्रेस कर सकते हैं। सप्रेस मतलब आप लोग उसको गायब कर सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं। सर कैसे, सो लेट्स सी। ये सेम आईपी एड्रेस बच्चों आप लोग अगर सप्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं तो देन दिस आईपी एड्रेस विल बिकम FA01:AB219। ठीक है, यू कैन सी जितने भी मेरे लीडिंग जीरो से वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सप्रेस कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। तो अगर आपके पास कोई हेक्सटेट लिखा हुआ है लाइक 19 या ए टू बी, तो दिस मींस के ऑटोमेटिकली आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि इसके आगे क्या थे, जीरोस थे। ठीक है, एफ टू डी एफ होल रॉइज जीरो जीरो, होल रॉइज अगेन जीरो जीरो, होल रॉ इज नॉट जीरो सो वन एंड एफ ई सी डी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल that you can suppress the leading zeros from the IP address. We can suppress the leading zeros from the IP address. So maine ye rule likhwa diya bachcho aap logo ko. Leading zeros from hexstate, and we can have an example as well, like 00AB will become only AB. So, bacho, this was the first rule
आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को रिगार्डिंग दिस रूल. दिस वॉज द फर्स्ट रूल फॉर आईपी वर्जन 6. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और रूल के ऊपर बात करते हैं. कोई क्वेश्चन तो नहीं यहां तक, अभी चीजें क्लियर है, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और रूल के बारे में बात करते हैं. दिस रूल इज कॉल्ड बच्चों, नाउ यू कैन सी वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस. अगर आप यहां देखें 5 और 6 हेक्सडेट को देखें, तो ये क्या है आपके पास, लाइन से यू आर हैविंग जीरोस. तो आप इन सारे जीरोस को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. सर हाउ वी कैन फिनिश ऑल दीज जीरोस, तो बच्चों यू कैन फिनिश ऑल दीज जीरोस. लीडिंग जीरोस वाला फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, लाइक एफ ए 01 डॉट ए बी 2 19 एफ 2 डी एफ. नाउ विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलन, आप लोग अगर डबल कॉलन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस मींस आपके पास यहां पे एक सीरीज थी जीरोस की दैट यू हैव सप्रेस्ड. और देन योर लास्ट हेक्सडेट विल कम एज इट इज. सो बच्चों दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ सप्रेसर. ओ सॉरी आई फॉरगॉट, मैं लिखना भूल गया 1 को. 1 आएगा, बिल्कुल आएगा. तो बच्चों दिस इज कॉल्ड योर सप्रेसर, दिस इज कॉल्ड सप्रेसर. और अभी आ रहे सारे सिनेरियोस के ऊपर आएंगे. अच्छा बच्चे एक जनरली सवाल करते हैं, सर यहां पे 2 सीरीज एक साथ थी तो हमने डबल कॉलन यूज करा, अगर 3 सीरीज साथ हो या 4 सीरीज साथ हो देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो बच्चों डबल कॉलन ही यूज किया जाता है, ठीक है. अब बच्चों देखो एक बात जरा सुनो, एक क्वेश्चन आया था अभी 2019 के अंदर, एग्जामिनर रिपोर्ट थी कि 90% बच्चों ने वो सवाल गलत अटेम्प्ट करा, 90% बच्चों ने सवाल गलत अटेम्प्ट करा. क्वेश्चन क्या था, दिस वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था. एग्जामिनर ने पूछा था दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस और नॉट, दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस और नॉट. तो बच्चों 90% बच्चों ने लिखा कि दिस इज इनवैलिड, ठीक है, दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल योर हेक्सडेट्स आर जीरोस, ऑल योर हेक्सडेट्स आर जीरोस. तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपका 128 की 128 बिट्स, ऑल द बिट्स आर जीरोस, ठीक है. सो अब ये मैंने सप्रेशन वाला रूल लिखवा दिया आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में, बिकॉज़ व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज, ताकि आप लोगों का रिवीजन बड़ा इजी हो जाए. तो मैंने यहां पे बताया कि इफ वी हैव ऑल जीरोस इन hexted or more hexteds are zeros in a sequence, then they can be suppressed using suppressor
or you can give an example as well over here, like 0000. You can vanish that 000 using this symbol. Umar, I will thoda sa wait karo. अभी मैं करता हूं थोड़ी देर में. ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब एक सीक्वेंस बनाने जा रहा हूं मैं आप लोग के सामने. तो लेट्स सी दैट सीक्वेंस फर्स्ट. एफ ए 01000 1 2 3 4 0000 0000 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. सो बच्चों, अब यू कैन सी कि मैं कितने हेक्सटेट्स को सप्रेस आउट कर सकता हूं. 4. I can apply a suppression over here on second hex state. I can apply this series as well. मैं ये दोनों series को क्या कर सकता हूं, because all zeros हैं, मैं suppress कर सकता हूं. लेकिन बच्चों, you need to remember one thing. आप लोगों को एक बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए. एक बार अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दैट्स जो सप्रेसर है आप लोग का, यू कैन ओनली यूज दिस सप्रेसर वंस. पूरे कोड में आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक दफा यूज कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज दिस सप्रेसर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. अब इट्स टोटली योर विश कि आप इस सेकेंड हेक्स स्टेट को सप्रेस करें या आप इस सीक्वेंस को सप्रेस करें, या आपकी विश है फिर. लेकिन वी कैन यूज दिस सप्रेसर ओनली वन टाइम. तो अगर मैं इसको यहां पे आप सप्रेस आउट करूं, लेकिन वो लीडिंग जीरोस वाला फिनोमेना अपनी जगह रहेगा. तो मैंने यहां पे इसको सप्रेस आउट किया बच्चों, ये कैसे होगा. दिस विल बी एफ ए 01 0 1 2 3 4 सप्रेशन एंड एफ ए डी 2. सो व्हाट आई डिड, मैंने बच्चों ये पूरी सीक्वेंस क्या कर दी, सप्रेस्ड आउट कर दी. Having four hex states. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. And मैंने ये rule लिखवा दिया आप लोगों को. Rule लिखवाना नहीं भूल जाऊं मैं, क्योंकि जब आप लोग revision करोगे तो you should know. Suppressor can only be used. Suppressor can only be used once. सिर्फ एक दफा यूज किया जा सकता है आपके पास. अब बच्चों, एक छोटा सा मेरा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक छोटा सा सवाल है मेरा. एंड माई क्वेश्चन इज एफ ए 11 2 D D F A B C D. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हाउ मेनी हेक्स स्टेट्स आर बीइंग सप्रेस्ड. कैसे बताया आपने, 5. एग्जैक्टली, टोटल हेक्स स्टेट्स आर 8. मैंने करंटली 3 लिखे, बाकी मैंने सप्रेसर लगा दिया. दिस मींस इसके इन बिटवीन सीक्वेंस जो आपके पास 5 हेक्स स्टेट्स वर 0000000. ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को क्लियर है. नाउ द लास्ट रूल बच्चों, आखिरी रूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं. एंड दिस इज कॉल्ड. देखिए, अभी दुनिया के अंदर हमारे पास आईपी वर्जन 6 इज नॉट परमानेंटली डिप्लॉयड थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में आपके पास हर जगह आईपी वर्जन 6 डिप्लॉय नहीं किया गया. Most of the countries, अभी पाकिस्तान एंड साउथ एशिया वाली साइड के ऊपर, तो जनरली हमारे पास
आईपी वर्जन 4 ही चल रहा है। लेकिन आप लोग कभी कभार क्या करते हैं, आप लोग एक्सेस करते हैं एक सर्वर को या एनी नेटवर्क, दैट नेटवर्क इज ऑन आईपी वर्जन 6। एग्जाम्पल आप लोग की जो पोर्टल मैंने बनाया भाई, दैट इज ऑल्सो ऑन आईपी वर्जन 6 बिकॉज दैट सर्वर इज इन जर्मनी, यूरोप का वो आपकी जो वीएम मशीन रखी हुई है यूरोप में, तो वहां पे आईपी वर्जन 6 यूज हो रहा है। अब क्या होगा सर, आप हम तो पुराने मॉडल के ऊपर, ये तो नया मॉडल है, तो क्या होता है सर? एग्जैक्टली, तो आपका आईपी वर्जन 6 हैज द कैपेबिलिटी कि वो आईपी वर्जन 4 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आईपी वर्जन 6 बना देता है टेम्पररी तौर के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आईपी वर्जन 4 डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो 128 बिट्स को एब्जॉर्ब करे, लेकिन आईपी वर्जन 4 ये काम कर सकता है। अब मुझे आप लोग ये बताएं, आईपी वर्जन 4 हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स। तो इसके अंदर आपके पास कितने हेक्सटेट्स आ सकते हैं? हाउ मेनी हेक्सटेट्स कैन आईपी वर्जन 4 सॉरी आईपी वर्जन 4 विल बी कंसिस्टिंग ऑफ? यस ऑन, बिल्कुल यस उमर। सो आपके पास आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 2 हेक्सटेट्स, 32 बिट्स, 16, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेट मी शो यू, अब अगर आपके पास आ जाए आईपी वर्जन 4 तो किस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, लेट्स सी। मैंने यहाँ पे बताया ई ए 00 कॉलन 1234 कॉलन कॉलन 192.168.1.1। अब कोई बच्चा, आई विल बी रियली हैप्पी, कितने हेक्सटेट्स मैंने सप्रेस करें यहां पे? हाउ मेनी हेक्सटेट्स आर बीइंग सप्रेस्ड ओवर हियर? एक्सीलेंट, वेरी गुड महम वानिया, ठीक है, वानिया ने बताया कि सर 2, ठीक है, वेरी गुड। 4 कौन है, 4 कौन बता रहा है? ठीक है, तो अरीवा अरीशा ने हमें यहाँ पे सही जवाब दे दिया बच्चों, 4, ठीक है। कैसे सर बताएं सर, हमें नहीं समझ में आया। 1 एग्री, 2 एंड ये कितने कंसिस्ट कर सकता है? 2, तो लेट्स से 3 एंड 4। तो अब कितने बच्चे हमारे पास हेक्सटेट्स, तो टोटल 8 होते हैं, तो मतलब वी हैव सप्रेस्ड आउट 4 हेक्सटेट्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये वाला रूल भी लिख ले बच्चों हम लोग जल्दी से यहां पे, दिस इज द लास्ट रूल एंड दिस रूल इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6 कैन कंटेन आईपी वर्जन 4 इन इट। एग्जाम्पल भी दे दें यहां पे ताकि आप लोग को रिकॉल करने में आसानी हो। ए बी सी डी कॉलन कॉलन 192.168.1.1। शाहजोब वाई नॉट, मैं ये बता रहा था शाहजोब बेटा यहां पे कि आपका जो आईपी वर्जन 6 है ना, ये वर्जन 4 को भी कंटेन कर सकता है। वर्जन 4 के अंदर बिट्स कितनी है सर? द बिट्स इन वर्जन 4 आर 32। तो 32 को अगर मैं हेक्सटेट में डिवाइड करूं तो एक बनेगा हेक्सटेट 16 बिट का, दूसरा हेक्सटेट बनेगा 16 बिट का। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने आप सामने हेक्सटेट्स लिखे, आईपी वर्जन 6 लिखा, तो ये एक हेक्सटेट, ये दूसरा हेक्सटेट, ये तीसरा हेक्सटेट और चौथा हेक्सटेट। तो दिस मींस हमने कितने हेक्सटेट्स को सप्रेस आउट कर दिया? हमने सप्रेस आउट कर दिया यहां पे 4 हेक्सटेट्स को, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ हेक्सटेट्स आर 8। नाउ बच्चों अब लेट्स सी अ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑल्दो आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर देता, लेकिन रिलेटेड टू इस सिमिलर किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दिया, पहले तो आप लोग को मुझे ये बताने कि वैलिड है इनवैलिड है। यस, वैलिड इनवैलिड,
ओएस नो आइडिया, ऐसा तो वो इतनी मेहनत से पढ़ाया, ऐड कुछ आइडिया दे दो, बोलो सर सही लग रहा है मुझे। अरसलान, वैलिड इनवैलिड, सही आंसर किसने किया अभी? राविश आपके ऑनलाइन आंसर ही ठीक होते थे और अच्छे थे ऑनलाइन आंसर, या ऑन कैंपस आंसर आपके चेंज हो रहे हैं। खैर वैलिड है सर, क्या हो गया इसके अंदर? देखिए एक एक्सलेट है, अब आप लोग के जहन में ये जा सकता है कि सर यहाँ पे तीन करेक्टर है, तो आपको पता है भाई लीडिंग जीरो वाला फिनोमेना अप्लाई हो गया होगा, यहाँ पे लीडिंग जीरो वाला फिनोमेना अप्लाई हो गया होगा, देन एक और हैक स्टेट, देन वी हैव अ सप्रेसर, एंड देन वी हैव आवर आईपी एड्रेस, तो इट्स अ वैलिड आईपी एड्रेस, परफेक्ट, कोई मसला नहीं इसके अंदर। नाउ लेट्स सी अनदर आईपी एड्रेस। आपको क्या करना है, इस आईपी एड्रेस को अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लिखना है, विदाउट एनी सप्रेशन, विदाउट एनी सप्रेसर्स, सबको हटा के आप लोगों को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है इसको। सो द आईपी एड्रेस बच्चों वॉज, यू नीड टू राइट द फुल वर्जन ऑफ दिस आईपी एड्रेस, जो इसके अंदर सप्रेशन अप्लाई हुई है, यू नीड टू रिमूव द सप्रेशन, आप लोग को सप्रेशन रिमूव करनी है यहां से, यू नीड टू रिमूव द सप्रेशन, जो सप्रेशन अप्लाई हुई है यू नीड टू रिमूव दैट। जो बच्चा कर ले मुझे बताए जरा काइंडली। डन, क्या नाम है तुम्हारा? हसन, हसन ने कर लिया बच्चों में, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं अभी, बाकी बच्चे भी कर लें। हसन कहाँ की है? सॉरी आप लोग कॉपी कर रहे थे, चले हसन का देख लेगा, आप लोग हसन से देख लेगा कि हसन ने क्या किया है। लेट्स चेक दिस आउट। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ऑल द हेक्सेट्स आर कंप्लीट, सो परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज राइटली डन बाय हसन। ये उमर तुमने आगे क्यों लगा दिया भाई? सप्रेसर लीडिंग जीरोस के पीछे लगते हैं उमर, ये देखो जो हमारे पास हसन ने यहाँ पे प्लेस करें तो ये आगे लगते हैं, दे आर प्रीफिक्स, तुमने पोस्ट फिक्स कर दिया, ठीक है बस प्रीफिक्स कर दो बाकी ठीक है। एंड ऑन ने तो उसको टू ही कर दिया, मतलब 00F ए को उन्होंने टू कर दिया, ठीक हो गया ऑन। अफाफ राइट आंसर, अफनान राइट आंसर बेटा। तो आज बच्चों इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, ठीक है, अभी अभी और कहानियां इसके बारे में, ठीक है, तो बातें करेंगे इसके ऊपर सारी इन आवर नेक्स्ट सेशन, आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। कमिंग सैटरडे आप लोग का पहला क्विज है, आसान सा क्विज बनाए, मजेदार क्विज है, यू गाइस विल एंजॉय, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोग को। द टाइमिंग्स आर 3 to 4 सैटरडे ऑनलाइन, ठीक है, स्टिल आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वारी हो, कोई भी इशू हो बता देगा। किस चीज की? इधर ऑन कैंपस, सही बताएं? अच्छा तो आई विल अपडेट द टाइमिंग्स देन, ठीक है, मैं टाइमिंग्स अपडेट करवाता हूँ। मुझे क्यों हेड्सअप दिए थे, क्लिफ्टन कैंपस वालों ने हेड्सअप दिया था, लेकिन वो खैर ओवरऑल ही डील कर रहे थे विद द टाइमिंग्स। वैलिड नहीं हुआ। ये देखो, ये आपके पास आईपी, जहां तक आईपी वर्जन 6 था, ये इसने आईपी वर्जन 4 को अपडेट किया अपने, तो ये आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट फॉलो करेगा। अभी आईपी वर्जन 4 और 6 एक साथ लिख सकते हैं क्या? हाँ, अटेंडेंस बच्चों रुक जाएगा, मुझे मार्क करने देगा। ये तुमने वन वन ज्यादा लगा दिया भाई, यहाँ तक था बस सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आईपी, हाँ आईपी, आईपी वर्जन 6 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है आईपी वर्जन 4 को, तो आईपी वर्जन 6 ने 4 को एब्जॉर्ब कर लिया। 4 6 को नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स वो तो बहुत बड़ा है, वो बिट्स का मसला आ जाएगा। लेट मी मार्क द अटेंडेंस एज वेल। उमर मेरा सेलफोन नहीं है मेरे बेटा मेरे पास, अच्छा तो आवाज भी नहीं जा रही उमर की, चलो बाद में देखेंगे।
P1A1. Today is Thursday. So, Arisha, we have Hafsa, we have Jawad was present. We have Mans. Malik, तुम आज खामोश रहे, गलती हो गई तुमने सवाल कर लिया। अहमद ऑनलाइन थे। अरहम, अरसलान वॉज प्रेजेंट, फसी वॉज ऑनलाइन, जवाद, हसन, अवीन, मास, उवैस वॉज प्रेजेंट, नुजहा, हमजा, राविश वॉज प्रेजेंट, शयान वॉज एबसेंट, एंड वासिक, ओके मैं अभी चेक कर लेता हूँ, वानिया, ठीक है, यहाँ पे बता दिया, अच्छा, आप तो अभी इधर कैंपस में भी बैठी हुई थी, अभी मुझे याद आया, कैंपस, ओके